कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से कोरोना के बढ़ रहे मरीजों के समुचित इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पर्याप्त मात्रा में अस्पताल और बेड की व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही जो लोग होटलों में रहने की इच्छा करते हैं उन्हें वो भी सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है, जिसके लिए मरीज को प्रतिदिन निर्धारित धनराशि देनी पड़ेगी। इस संबंध में CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि हमारे लोहिया इनक्लेव में मौजूदा समय में 2500 बेड है। उन्होंने बताया कि राप्ती नगर के स्पोर्ट्स कॉलेज में 250 बेड है और रेलवे में 200 बेड संचालित है। इस दौरान CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी मरीजों का कोरोना इलाज लेवल 2 के निजी अस्पताल में निःशुल्क किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, हमारे पास बेड्स की कोई कमी नहीं है। लोहिया इनक्लेव में हमारे पास ऑलरेडी 2500 बेड हैं वहाँ, और अभी हमारे राप्ती नगर के स्पोर्ट्स कॉलेज में 250 बेड और रेलवे में 200 बेड ये संचालित है। और तैयारियों के सिलसिले में चूँकि BRDO में बेड्स कम हैं, हमने L2 फैसिलिटी बनाना शुरू कर दिया है। हमारे 100 बेड TB हॉस्पिटल में एक L2 फैसिलिटी बना के आज से उसको क्रियान्वित कर दिया, जहाँ 5 मरीज भर्ती भी हैं। वो मरीज होंगे जिनके सिम्टम्स होंगे, सांस वांस की दिक्कत होगी या हाई ग्रेड फीवर होगा या अन्य कोई कोमॉर्बिड फैक्टर डायबिटीज़ हाइपरटेंशन ये होंगे, उनको हम उन सुरक्षित जगहों पे रखेंगे जहाँ पे हमारे वेंटिलेटर्स भी हैं, स्पेशलिस्ट तैनात हैं और वहाँ पर ऐसे केसेस को हम रखेंगे। जो हमारे क्वारंटाइन जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं वहाँ एसिम्प्टोमेटिक हम रखते हैं या माइल्ड सिम्टम फीवर उबर के केसेस को रखते हैं, उसके लिए भी हमारे पास पर्याप्त बेड है। शासन ने एक आदेश किया है कि जो लोग होटलों में रहना चाहें तो हम लोगों ने अभी तक 2 होटल ले भी लिया है, और उनमें जो ऑप्शन कह रहे हैं कि हम होटल में रहेंगे जिसका चार्जेस भी बहुत नॉमिनल है, अगर वो डबल ऑक्यूपेंसी में रहेंगे तो 1000 पर डे है, अगर वो सिंगल रहेंगे तो 1500-1600 रुपये उन्हें देना है। इस तरह से बहुत सस्ते रेट में होटल्स में भी वो रह सकते हैं, कौन जो कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं जिनके कोई सिम्टम नहीं है, और हमारी वहाँ टीम रहेगी। यदि कोई सिम्टम होता है, कोई परेशानी होती है तो टीम देखेगी, और फिर अगर उन्हें शिफ्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने L2 में उन्हें शिफ्ट कर सकते हैं, या हायर सेंटर पे ज़रूरत पड़ती है तो L3 BRDO मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करेंगे। तो ये व्यवस्था बना दी गई है और इसके तहत सब कार्यवाही हो रही है। केसेस हमारी टेस्टिंग की वजह से बहुत बढ़े हैं, क्योंकि हमने करीब 21-22 हज़ार टेस्ट कर डाले हैं और उसमें इस हिसाब से 1000 से ऊपर हमारे पॉजिटिव केसेस आए थे, फिर भी उसमें 60% केसेस हमारे ठीक होके जा चुके हैं। अभी 1-2 दिन में और 100-150 केसेस हमारे डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो हमारा क्योर रेट भी काफ़ी अच्छा है और महामारी में हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसी के बीच हमारा दस्तक अभियान और सर्विलेंस का कार्य भी अच्छे से चल रहा है। होम आइसोलेशन का भी आदेश कोई प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे ही प्राप्त होगा हम उन लोगों को जो एसिम्प्टोमेटिक हैं बिल्कुल भी, और जिनके यहाँ ये व्यवस्था होगी कि वो एक रूम सेपरेट सारे नियम कानून फॉलो करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड वॉश और टॉयलेट भी उनका अलग हो, अगर ऐसी सुविधा कहीं मिलेगी और शासन ऐसा निर्देश देगा तो उनको होम क्वारंटाइन की सुविधा प्रदत्त कराई जाएगी। सर, जो मरीज मेडिकल कॉलेज या स्पोर्ट्स कॉलेज या ये रेलवे अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, जो भर्ती हैं, क्या अगर वो भी चाहें तो वो भी अपनी स्वेच्छा से होटलों में उनका होटल में हम जिनका इलाज चल रहा है उनको नहीं भेज सकते, क्योंकि इलाज हम अपने सेंटर पे ही कर पाएंगे, लेकिन होटल में जिनके सिम्टम नहीं है और वो होटल में रहना चाहते हैं पे करके, उनको हम वहाँ भेज देंगे। हल्का फुल्का सिम्टम आने पे हमारी टीम वहीं का वहीं उनको इलाज दे देगी। ऐसे लोग जो थोड़े से गंभीर हैं, जिनको इलाज चल रहा है, वो अगर चाहें तो जिलाधिकारी साहब ने 2-3 हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल के रूप में अधिग्रहित किया है, जैसे फातिमा हॉस्पिटल कल से चालू हो जाएगा तो वो वहाँ सुविधा ले सकते हैं। उसकी दरें निर्धारित हैं शासन द्वारा, केवल उतने ही पैसे वो हॉस्पिटल चार्ज कर सकता है एक मरीज से, उससे अधिक नहीं करेगा, और वो वहाँ पर रहेंगे और उनका इलाज होगा।